गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो छुआ मैंने आज आम स्टार्ट करवा मैथमेटिक्स रो आहुरी गुटे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस राइट। जदि यही पाठटा न बाहरी था आमको बहुत जगार बहुत असुविधा हो था। देख छुआ मैंने आमर समर कोर्स रो मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुम मानू सबु इम्पोर्टेंट चैप्टर मानक सहित टिके आम एक्विंटेड करेबु। से चैप्टर गुड़ाक बहुत ही दरकार आमको जो भी आम जाता बिना आम चली पारानी राइट। सेमितिका गोटे चैप्टर विषय मुझ तुमको आइडिया दे कौटी लॉगरिथम रे जोटा कि लास्ट दुई तीन टा क्लास रे आमर चली राइट। तो आज आम आहुरी गोटे इम्पोर्टेंट नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा जोटा कि आउ एबे दुई तीन टा क्लास रे सरीबा भलिया जिनस नुह। ये टिके लंबा चलिबो वर्तमान ये वर्तमान आमे ताकु मासे मासे कि डेढ़ मास खंडे लागिबो एटा पूरा जिनस को सारिबा पई राइट। ता सहित तमर आहुरी गुटे साहाज्य मते दरकार कि तमकु प्रैक्टिस करिबा पई पड़िबो। छुआ मैंने बिना प्रैक्टिस रो ए जिनसटा आज जाए हेइ नाही कि हेबो भी नाही। जो छुआ प्रैक्टिस करिबो ताकु एगुडा सब बहुत पानी भलिया पूरा पत्र भलिया लागिबो एकदम पूरा एकदम सफा लागिबो। किंतु जे प्रैक्टिस न करिबो ता मुंडरे बोझ बड़ी 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 का जीव। ए जिनसटा टिके ध्यान देबो तमे माने जदि प्रैक्टिस कलो तमर बही रे तो निश्चय आमे जदि देखिबा बही रे आमर सह सह प्रॉब्लम दिया हिजी सेटा को भी जदि तमे सारी दलो मु तुमको आहुरी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देबी करिया पई राइट। किंतु मेन लक्ष्य हवा कथा कि तुम्हें माने प्रैक्टिस करिवा कथा राइट। तो एबे थारु माइंड मेकअप कर दियो जे हमको बहुत प्रैक्टिस करिया पई पड़िबो राइट। अच्छा आउ गोटे कथा छुआ मैंने हुए तो तुम्हें क्लास नाइन्थ क्लास टेन्थ रे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थिलो राइट। किंतु एबे जेतेबेले आमे क्लास इलेवेन्थ रे ट्रिग्नोमेट्री पढ़िबा आमर एप्रोचटा टिके अलगा थिबो। एप्रोचटा टिके अलगा थिबो माने आमे चेष्टा करिबा कि आमको जेमती कोनोसी फर्मूला घुसिबा पई न पड़ू। आमे प्रतिटा फर्मूला को निज हाथरु डिराइव करिकि बाहर करिबा। जो जिनसटा तुम निजे तुम तैयारी करथिबो ना तार प्रणालीटा तुम केबे भी भूलिबनी। प्रस्तुति प्रणाली जोटा थाए कि नहीं जोटा जिनसटा तैयारी करला बेलकु तुमको ठीक जना थिबो जे तुम्हें कौ जगार केमिति ताकु तैयारी करथिलो सेतिपई सेटा तुम माइंड रे प्रिंट हो जिवो आउ आमको सेटाकु एक्स्ट्रा घुसी कि मन रखिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं राइट। सो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास इलेवेन्थ विथ ए न्यू अप्रोच ओके। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी ट्रिग्नोमेट्री। ओके ए चैप्टर विषय रे तुमको आगरु मध्य आइडिया अछि ओके। एबे छुआ माने गुटे कथाटे सुनो आमे जो भी चैप्टर पढ़िबा ना आगे आमे जानिबा पई चेष्टा करिबा जे ए चैप्टर रो दरकार कोन पड़ला। अरे आमो पाखरे तो केडे सुंदर अलजेब्रा थिला आमो पाखरे तो मेंसुरेशन थिला आमको ट्रिग्नोमेट्री रो आवश्यकता काहे कि पड़ला पुणी आ गुटे पाठ काहे कि आमो सामना को आसिला तो सेटा जानिबाटा फास्ट निहाती दरकार ओके। एबे चलो आगे देखिबा ट्रिग्नोमेट्री काहे कि दरकार पड़ला तापर बुझिबा ट्रिग्नोमेट्रीटा कोन कहिग्रे। मन कर छुआ मैंने मो पाखरे गुटे त्रिभुजटे अच्छी भलिया राइट। मन कर ये हला ए बी सी राइट। अच्छा आउ गोटे कथा मु जस्ट तुमको कहीदे तुम्हें बहुत जिनस आ विषय जानी थिबो ओडिया रे बहुत जिनस जानी थिबो ओडिया रे आमे एबे सेई ओडिया जिनस रो इंग्लिश टर्म्स गुड़ाक यूज करिबा। तो जोठी जो इंग्लिश टर्म पई जो ओडियाटा थिला मो सेटा भी तुमको कहीदेवी ताकि तुमको धरिबा पई टिके से जिनसटा सुविधा हेबो राइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम नहीं गले गुटे राइट एंगल ट्रायंगल जोटा को तुम कहूल समकोणी त्रिभुज से आम इंग्लीश रे कहिबा राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओके वर्तमान ए राइट एंगल ट्रायंगल रो ए मते हाइट दे दिया है छि 8 आ बेस दे दिया है छि 4 आ मते जने कहिला आ ए एंगल मने करो दे दिया है छि किछि भी गुटे दे दिया है छि 30 डिग्री मने करो राइट तो मते जने जदि कहिला कि सर ए त्रिभुज रो क्षेत्रफलटा केते हबो ए ट्रायंगल रो एरियाटा केते हबो सर तो मु कहबे हां एरिया दरकार तो आराम से बाहरिबो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता एटा कहो जतो ओडिया रे हां तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जोटा कि मु कहि देबी हाफ इंटू बेस हे गला 4 हाइट हे गला 8 82 2 कटि गला तो आंसर आसी गला 16 तो मु कहि दे पारिबी ए त्रिभुज रो क्षेत्रफलटा केते हला छ माने 16 हे गला राइट ये है आम जिंदगी राइट एबे मेंटस जिंदगी देखो मेंटस जिंदगी रे कोन हबो मने करो मते ए दीटा बाहु भितरु गोटे बाहु पुणी दिया है न थांता ए जगह रे कोन हला ए मने करो मते केवल 8 दिया है थांता आउ ए 4 दिया है न थांता आउ मते कहा है थांता जे सर एबे ए त्रिभुज रो एरियाटा बाहर करंतु एबे ए त्रिभुज रो क्षेत्रफलटा बाहर करंतु सेई समय रे मु केमिति बाहर करिवि ए जगह रे आसी कि ट्रिग्नोमेट्री आमकु सहाय्य करिवो राइट ट्रिग्नोमेट्री रो एडवांटेज टा कोन हला ट्रिग्नोमेट्री रो एडवांटेज हला आमे मिनिमम डाटा उपरे सेई जिंस टाकु बाहर करि देई पारिबा जदि मु ट्रिग्नोमेट्री जानिछि तो मते एटा न दिया हेथिले मध्य मु ए त्रिभुज रो एरियाटा बाहर करि देई पारिबी एटा हला एडवांटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि जदि आमकु ट्रिग्नोमेट्री जणा अछि आमे मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट रे भी आमे सही प्रॉब्लम टाकु सॉल्व कर दे परिबा जोटा कि बिना ट्रिग्नोमेट्री रो तमे एई त्रिभुज रो एरिया सेते जाय न बाहर करि परिबो जते जाय एई बेस रो मूल्यटा तमकु न दे दिया हेछि क्लियर समस्ते ट्रिग्नोमेट्री काहे के दरकार पड़िला ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह रे एज लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री भी वर्तमान हमको फिजिक्स रे दरकार पड़िबो मैथमेटिक्स रे तो डेफिनेटली ही दरकार पड़िबो राइट तो सेति पई हमको पूरा स्ट्रांग हेबा पई पड़िबो ट्रिग्नोमेट्री रे ट्रिग्नोमेट्री रे पूरा क्लियर हेबा पई पड़िबो जे कोनोसी प्रॉब्लम देले हमें फटाक से जमति ताकु सॉल्व कर दे पारथुबा सेही भलिया हमको अप्रोच रखिया पई पड़िबो छ माने राइट मु तुमको पूरा हेल्प करबी किंतु तुम ठारो भी मते समर्थन दरकार तुम ठारो भी मते सही येटा दरकार एनर्जीटा दरकार सही प्रैक्टिस रो एनर्जीटा दरकार तुम्हें जदि प्रैक्टिस करिवो मु आहुरी नुआ नुआ प्रकार रो प्रॉब्लम तुम सहित डिस्कस करबी राइट ओके सो एबे आमे बुझिले कि ट्रिग्नोमेट्री काहे कि दरकार पड़ला जेतेबेले भी कोनोसी जिंस को आमको कम डाटा दिया हेतिबो तो आमे ट्रिग्नोमेट्री रो सहाय्य रे से जिनसटा को इजीली सॉल्व कर दे पारिबा आहुरी बहुत गुडा को कारण अछि ट्रिग्नोमेट्री काहे कि दरकार पड़िला राइट एबे चलो बुझिबा ट्रिग्नोमेट्री रो ना काहे कि पड़िला ट्रिग्नोमेट्री कहिकरि आजि जस्ट आमे इंट्रोड्यूस हबा बहुत गुडा को जिनसरु आजि आमे ट्रिग्नोमेट्री पाठ पढ़िबा पई जहा जहा आमको दरकार सेही सब जिनस विषय रे आजि आमे टिके डिस्कस करिबा राइट तो ट्रिग्नोमेट्री रो ना काहे कि पड़िला छ माने ट्रिग्नोमेट्री चलो बुझिबा राइट ए ट्रिग्नोमेट्री टा दीटा माने वार्ड रु तयारी हे छि गुटे वार्ड रो ना हला ट्रिग्नोन आ गुटे वार्ड रो ना हला मेट्रोन ट्रिग्नोमेट्री नेम has been derived from two words. One word is called as trigonon, other word is called as metron. Acha. Trigonon ra meaning hala chha mane triangle, tribhuja.
आउ मेट्रॉन रा मीनिंग हला मेजरमेंट किंबा मापो राइट ट्रिग्नॉन रा मीनिंग हला ट्रायंगल मेट्रॉन रा मीनिंग हला मापो तो ट्रिग्नोमेट्री रा मीनिंग हला कौन छ माने गुटे त्रिभुज को मेजरमेंट करिवार अछि ट्रायंगल को मेजरमेंट करिवार अछि ट्रायंगल को मेजरमेंट करिवार अछि रो मानेटा हमें कौन बुझिबा ट्रायंगल रो तीनटा जाको बाहु आउ तीनटा जाको कोण को मापिबार अछि तो एई तीनटा जाको बाहु आउ तीनटा जाको कोण को मापिबा हमें केमिति हमें किछि ना किछि संपर्क तयारी करिबा कहा कहा भीतर संपर्क तयारी करि परिबा सही त्रिभुज रो बाहु आउ कोण मानंक मध्य रे संपर्क तयारी करि परिबा एई संपर्क मानंक सहाय्य रु आमे पूरा सही त्रिभुज टाकु मापी परिबा माने आमकु जदी गुटे कोण आउ गुटे बाहु दिया हे छि आमे बाकी समस्त कोण आउ बाकी समस्त बाहु मानंकर मूल्य बाहर कर देई परिबा दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओके सो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल रो मानेटा कोण आमकु ट्रायंगल रो सबु बाहु आउ सबु कोण मानंकर लेंथ आउ मूल्यटा दरकार एटा आमे केमिति बाहर करि परिबा ट्रायंगल को केमिति मेजर करि परिबा ट्रायंगल रो जे कोनसी दीटा बाहु आउ गुटे कोण मध्य रे संपर्क तयारी करि करि की बाहर करि परिबा This is the meaning of trigonometry. Okay, right chamane. तो ए सब तो आम मस मस धरी करवा वर्तमान आम पाखे वर्तमान बहुत जिनस अच्छी करवाई चलो फास्ट आम टे रेडी कि ट्रिग्नोमेट्री आम सांगे सांग एकदम धरिकी मानने आम सल्व करमती आमको टिके रेडी हेबापी पड़ो आमको टिके ता आसपास लोक मान सहित टिके चिन्ह परिचित हेबापी पड़ो तापर आम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करि परिबा राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट ए थिंग विच विल बी हेल्पिंग यू टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री माने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ापी फास्ट इम्पोर्टेंट जिनस जोटा आमको दरकार सेटा हला एंगल सेटा कौन हला छ माने एंगल ओके एंगल एटा तो समस्त जानी छ एंगल रो माने कौन हला ना एंगल रो माने हला सर कोण कोण तुमको कोठी पढ़ा हितला ना सर हमको ज्योमेट्री रे पढ़ा हितला तो मु जदी पचारी भी कोण रो मानेटा कोण तो तमे कोण कहिवो सर दुईटी रेखा जत्ते बेले निज को छेद करिवे एई मजी एई जिंसटा जहां आसीबो एटा को कुहा जिवो गुटे कोण कोण केतेबेले सृष्टि हुए कहि के हमको सिखाइतला जेतेबेले दीटी रेखा निज को छेद करिवे सेई समय रे तांको मध्य रे जहां आसीबो ताकु आमे कहिबा गुटे कोण कोण कहि के तमे जानिथिलो राइट एबे किंतु सेटा थिला हाई स्कूल रो डेफिनेशन एबे आमे हायर सेकेंडरी को पहुंची गले माने आमे आउ टिके बड़ हे गले तो आमको आमर आईडिया टाकु भी आउ टिके ब्रॉड करिया पई पड़िबो एबे आमे कोण पई नुआ प्रकार रो डेफिनेशन सिखिबा चलो देखिबा सेटा कोण डेफिनेशन हे पारिबो राइट आमो पाखरे छुआ माने दीटा रेखा आमे नबा दीटा रेखा नबा एई भलिया तांको भितरु मो कथाटा को टिके ध्यान दे के सुनिबो समस्ते हला तांको भितरु गुटे रेखा रो पोजीशन टा फिक्स रहिबो ये ता जगह रु केबे भी हलिबो नहीं ये जोठी अछि सेठी रहिबो ओके तो वर्तमान ये हे गला कोन फिक्स्ड लाइन आकु आमे कहि दबा फिक्स्ड लाइन राइट आउ गुटे रेखा आहारी चारि पटरे एई भलिया बुली पारिबो ए भलिया बुली पारिबो तो ए रेखा रो ना हे जीव मूविंग लाइन राइट आउ ए फिक्स लाइन आउ मूविंग लाइन को आमे तांकर लांजो को एमती बांधी दे छे दुई पटरे ओके
कौन हूँ तुम केमती स्केल देखी चो आजिकलिकार जोमेट्री बक्स आसूरी दीटा प्रकार स्केल थी मानते टाणिकी बड़ करहब फिल करने चेष्टा कर तो सेटा कौन था दीज को गोटे जगार एमती बांधि दिखाई था गोटे स्थिर थी आ गोटेटा एमती चारिपटे बुलू थ फिल कर एमती का स्केल के देखी कि देखी थी निहाती राइट तो यहीटा भी हूँ आमर सेम सिचुएशन आम कौन करने बाहरी आमे बुझापी चेष्टा करुचे एंगल रो मीनिंगटा कौन एंगल रो डेफिनेशन टा कौन कोण आम क्या कहवा राइट तो कोण आम क्या कहवा देख दीटा लाइन अच्छा गोटे लाइन है फिक्स लाइन आ गोटे लाइन है मूविंग लाइन तो आम कहवा जे द अमाउंट ऑफ रोटेशन द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय ए मूविंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एन एंगल डेफिनेशन टा समस्ते नोट डाउन कर एटा बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन कौन द अमाउंट ऑफ रोटेशन रोटेशन माने हला बुलीबा रोटेट माने हला बुलीबा मेड बाय ए मूविंग लाइन किए रोटेट करिवो मूविंग लाइन करिवो विथ रेस्पेक्ट टू माने कहा को नहीं कि ए फिक्स्ड लाइन अनुसार फिक्स्ड लाइन को नजर रखिकी जत्ते बेले ए मूविंग लाइन टा जेतिकी रोटेट करिवो आमे कहिबा जे सही रोटेशन को कहा जिवो एंगल माने एटा हला फिक्स लाइन आ मो हाथटा हला मूविंग लाइन फिक्स लाइन रो रेस्पेक्ट रे मूविंग लाइन टा जेतिकी रोटेट करिवो आमे कहिबा एंगल सेतिकी बड़ी 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 जिवो माने करो फिक्स लाइन मूविंग लाइन टा एठी थांता तो एंगल टा एतिकी हे थांता मूविंग लाइन टा एठी अछि एंगल टा एतिकी हला मूविंग लाइन टा जदि एठी थांता एंगल टा एतिकी हे थांता एमती मूविंग लाइन रो पोजीशन चेंज हले एंगल रो पोजीशन मध्य चेंज हे का जीवो एटा को कहा जाए एंगल गुटे फिक्स लाइन अबाउट रे हां गुटे फिक्स लाइन अबाउट रे मूविंग लाइन टा जेतकी बुलिबो सेतकी बुल तार से जो बुलिबा टा को कहा जीवो गुटे एंगल राइट ओके छुआ माने समस्ते बुझी पारलो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कौन एंगल कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय ए मूविंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज एंगल ओके एबे इंटरेस्टिंग कथा हला छुआ माने आज जाए आमको जदि मु तुमको कही था ए छुआ माने गोटे एंगल टे कहल तो तुम्हें कह सार 60 डिग्री आउ जणे कहिबो सर 45 डिग्री आउ जणे कहिबो सर 15 डिग्री आउ जणे कहिबो सर 7.5 डिग्री एमते कहि दबो सब राइट किंतु आज जाय आमको कुहा हे नथिला गुटे कथा कि एंगल टा नेगेटिव रे भी आसी परिबो आज पर्यंत आमे जहा भी मैथमेटिक्स पढ़ीथिले आम सामने को जो एंगल आसुथला से एंगल टा सब बेले आमे पॉजिटिव अछि कहि किना धरुथिले किंतु आज ठारु आमे गुटे नुआ जिंस सिखिबा कि एंगल टा पॉजिटिव हेबा सहित नेगेटिव मध्य हेइ पारिबो ताहले एटा के डिसाइड करिवो कि एंगल टा पॉजिटिव होउछि ना नेगेटिव होउछि एट आर डिसीजन टा के नेबो तो आंसर हला आर डिसीजन टा नेबो सेइ दिग जो दिगरे आमे एंगल को मापुछे मैथमेटिक्स रे आम पाखरे छुआ माने दीटा दिग थिबो देखो दीटा दिग थिबो कोन कोन दिग थिबो गुटे हला घड़ी रो दिग अनुसारे घड़ी रो दिग अनुसारे तो एटा को आमे कहिबा क्लॉकवाइज डायरेक्शन एटा को आमे कौन कहिबा क्लॉकवाइज डायरेक्शन
आउ गोटे हला घड़ीर दिगर उल्टा दिगरे, घड़ीर दिगर उल्टा दिगरे माने एमती थिबो देख एई भलिया एटा को आमे कहिबा छुआ माने कौन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन राइट अरे मु कौन करुची मु ट्रिग्नोमेट्री पढ़ीवा पाई जहाँ जहाँ जुगाड़ जंत्र दरकार मु से गुड़ा सबू आगे टिके डिस्कस कर दोची नहले ए माने आम सामना को आसिले आमको जेमती से माने अचिन्हा न लागंतु आमको लागु जे हाँ आमे ए मानको सहित पूर्वरु परिचित थिले कहिकरी राइट ता परे ट्रिग्नोमेट्री जेतेबेले स्टार्ट हेबो तुमको बहुत इजी लागिवो राइट तो मु कौन डिस्कस करुची एंगल रो माने कौन तापरे एबे आमे आसिकले कौन डिस्कस करुचे कि एंगल टा नेगेटिव भी हो पार तो गुटे एंगल जदि मते दिया है मुमती जानी जे से एंगल टा को मु पॉजिटिव एंगल धरबि ना नेगेटिव एंगल धरबि कहिकरी तो आंसर हला सेटा मोर दिगटा मते कहिब कि मु जो दिगरे मापुथिबि एंगल टा को से दिग अनुसार मु डिसाइड करबि कि एंगल टा पॉजिटिव हबो ना नेगेटिव हबो ओके वर्तमान केतेटा दिग अछि दिग आमर दीटा दिग अछि कोन कोन दिग अछि गुटे दिग हला क्लॉक वाइज माने घड़ी अनुसार ए भलिया बुलिबो क्लॉक वाइज डायरेक्शन आ गुटे हला घड़ी दिगर उल्टा दिग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ओके तो तमे माने कोन लेखिलो देखो छ माने फर्स्ट ए डेफिनेशन टा लेखिथिबो तापरे ए चित्रटा तमे काटिबो हला एटा को कुहा जिवो गुटे एंगल ओके राइट तापरे लेखिबो नोट तापरे कौन लेखिबो नोट लेखिबो कौन नोट लेखिबो नोट एंगल व्हेन टेकन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड एंगल टेकन इन clockwise direction is negative very very important jinsa ei choto choto jinsa ta hi amaku easily patha ta ku bujhiba pai sahajya karibo to ame kon gute niyam banile chho mane ame kon niyam baniche जेते बड़े एंगल को आमे घड़ी दिगर विपरीत दिगरे मापिबा सही समय रे एंगल टा पॉजिटिव अछि कहिकरि आमे धरिबा किंतु जेते बड़े एंगल को आमे घड़ी दिग अनुसार मापिबा ताहले आमे कहिबा जे एंगल टा कोन अछि नेगेटिव अछि देख मन कर एमती अछि मो पाखरे एई भलिया अछि मते एंगल मापिबार अछि मन कर हां तो एठी मु नै गेलि एमती एटा गुटे मूविंग लाइन एटा फिक्स लाइन तो ए एंगल टा हे गला 30 डिग्री तो मु कहि भी एटा हला प्लस 30 डिग्री काहे कि प्लस 30 डिग्री मु एंगल को मापुची कहा रेस्पेक्ट रे फिक्स लाइन रु मूविंग लाइन पर्यंत तो मूविंग लाइन टा एमिति अछि ता माने आमे घड़ी रो दिगर विपरीत दिग को जाउछे ताले एटा हे जिवो कोन प्लस 30 डिग्री कुहा जिवो एटा को कोन कुहा जिवो प्लस 30 डिग्री कुहा जिवो किंतु मन कर मोर मूविंग लाइन टा एटी थांता मन कर मोर मूविंग लाइन टा एटी थांता तो एबे भी आमे जत्ते बेले एंगल मापिबा कहा रेस्पेक्ट रे मापिबा फिक्स लाइन रेस्पेक्ट रे मापिबा तो फिक्स लाइन रेस्पेक्ट रे मापिला बेले को एंगल टा मते एमिति मापिबा पई पडुची एमिति मापिबा पई पडुची माने तार दिगटा कोन हे जाउची क्लॉकवाइज हे जाउची तो मु कहिबी जे एई एंगल टा भी 30 डिग्री हबो
किंतु एटा को मु कहबी माइनस 30 कहबी काहे कि माइनस 30 कहबी आरो दिगटा होची क्लॉकवाइज आकु मु काहे कि प्लस 30 कहबी काहे कि यार दिगटा होची एंटी क्लॉकवाइज दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड तुमको हुए तो लागू थाई पारे कि एटा गुटे साधारण जिंस किंतु ए साधारण जिंसटा ही आमको आगो को पढ़िबा पई बहुत सहाय्य करिवो राइट तो आज आम शिखिले छुआ मैंने कि एंगलटा नेगेटिव मध्य हो पारिबो किए डिसाइड करिबो से दिगटा डिसाइड करिबो कि एंगलटा पॉजिटिव होउची ना नेगेटिव होउची ए रूलटा को पूरा निज ब्रेन रे प्रिंट कर दियो एंटी क्लॉकवाइज देखिलो मात्र को सेटा प्लस क्लॉकवाइज देखिलो मात्र को सेटा हला माइनस ओके तुम निजे देखुन प्रोट्रैक्टर जत बेले तुम पाखरे थिला समस्त प्रोट्रैक्टर यूज करूथिलो कि नै रे हां सर करूथिले एंगल बाबू तुम माने एतले मापुथिलो प्रोट्रैक्टर को रखी कि को पटरो देखुथिलो तुम निजे निजे को फील कर कि पचारो प्रोट्रैक्टर रु तुम एमिति एंगल मापुथिलो ना एमिति एंगल मापुथिलो ना सर आमे तो प्रोट्रैक्टर रे एई भले एंगल मापुथिले केते जण एई भले एंगल मापुथिला हाथ टेको तो देखिबा केते जण एई डायरेक्शन रे प्रोट्रैक्टर रे एंगल मापुथिलो देखो देखिबा हाथ टेको समस्ते हां यस यस वेरी गुड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू समस्ते ही करूथिलो एई दिगरे काहे कि सेमती हमकु सिखा हेबी हेइथिला आ सेटा पूरा ठीक सिखा हेइथिला काहेकि से समय आमको दिग विषय में किसी कहा ही ना आमको केवल शिखा ही था प्रोट्रैक्टर में आम एंगल केमी मापिबा काहेकि आम एमती मापिबार मीनिंग है कि एंगलटा को आम पॉजिटिव धरवा से आम एमती मापुले मो कथा बुझीपार ना समस्ते राइट हाथ तल को कर दि छ मैंने अच्छा यहाँ है कथा तो एंगल बुझल आंगल के पॉजिटिव हे केगेटिव हे तुम मैंने बुझीगल राइट अच्छा एबे आमे देखिबा केते प्रकार रो एंगल हे परिबो केते टाइप रो एंगल हे परिबो चलो देखिबा सो नेक्स्ट हेडिंग तमे माने समस्ते दियो छ माने टाइप्स ऑफ एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स राइट ए सबु जिंस तमे जानी छो माने किंतु उड़िया रे जानी छो मोर कर्तव्य हला तमकु सही जिंस सहित आउ टिके टिके खाली परिचित करे देबी किंतु एथर तांकर ना गुड़ी को आमे सिखिबा इंग्लिश रे राइट काहे कि क्वेश्चन टा तो हमर इंग्लिश रे आसीबो ना भाई तो आमकु सेइटु जानिबा पई पड़िबो कि ओहो एटा कुहा जाउची कहिकरी राइट तो फर्स्ट एंगल जोटा आम शिखिबा छुआ मैंने से एंगल रो ना हला एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल राइट तो एक्यूट एंगल क्या कहा जाए ओडिया रे आम सूक्ष्म कोण हिसाब रे जानू जोटा ओडिया रे सूक्ष्म कोण थिला सेटा इंग्लिश रे वर्तमान हो गला को एंगल एक्यूट एंगल हो गला राइट तो एक्यूट एंगल आम क्या कहवा द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle okay jo kono ta 0 au 90 degree majire rahibo sei kono ra na hebo acute angle example 60 degree ta hela gute acute angle kemti janili 60 degree ta 0 tharu adhika achi 90 tharu kam achi ताले एटा को कहा जीव कौन एक्यूट एंगल क्लियर अच्छा एग्जांपल अच्छा आमे नहीं जीव मन कर थीटा टा हला हमर एक्यूट एंगल
तो थीटा रो रेंज केते रु केते भीतर रहइबो जीरो रु अधिक रहइबो 90 रु कम रहइबो एटा हे गला एक्यूट एंगल रो डेफिनेशन एग्जांपल हमें नै जबा 60 डिग्री 30 डिग्री 10 डिग्री 1 डिग्री एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कण एक्यूट एंगल क्लियर छ माने राइट एटा को कहा जाए एक्यूट एंगल एबे हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल देखिबा सही एंगल रो ना हैला ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड एंगल हैला छ माने कण ऑब्ट्यूस एंगल ओके ऑब्ट्यूस एंगल हमें कहा को कहिबा जे 90 डिग्री रु अधिक थिबो आ 180 रु कम थिबो जे 90 डिग्री रु अधिक थिबो आ 180 रु कम थिबो ताकू कोहा जिवो कोन ऑब्ट्यूस एंगल तो लिखि दबा द एंगल समस्त लेखो एटा खाता रे द एंगल व्हिच इज greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle तो एटी थीटा टा केते थिबो छ माने थीटा टा थिबो 90 रु अधिक 180 रु कम राइट ए बलिया एंगल को ना देले आमे इंग्लिश रे कोन ऑब्ट्यूस एंगल ओडिया रे तमे कोन कहुचो मो ठीक से कहि परिबिनी किंतु मते कहिबो हला एबे जते बेले आमे प्रश्न उत्तर करिबा सेही समय रे मते कहिबो त ओडिया रे जणे के गुडे कहिबो समस्त कहिबोनी हां कि ओडिया रे तार नाटा आमे कोन कहू कोई गरी हला अच्छा हो एतकी हे गला छ माने एटा हला कोन ऑब्ट्यूस एंगल ओके एग्जांपल नै जिबा ऑब्ट्यूस एंगल रो 120 डिग्री टा हला गुटे ऑब्ट्यूस एंगल 150 डिग्री टा हला गुटे ऑब्ट्यूस एंगल 179 डिग्री टा भी हला गुटे ऑब्ट्यूस एंगल राइट एटा हला ऑब्ट्यूस एंगल राइट नेक्स्ट तीन नंबर प्रकार रो एंगल को आमे कहिबा छ माने रिफ्लेक्स एंगल तीन नंबर एंगल तीन नंबर एंगल आमो पाकु आसिला से एंगल टा कोन हला रिफ्लेक्स एंगल ओके रिफ्लेक्स एंगल आमे कहा को कहिबा तो रिफ्लेक्स एंगल हेबो छ माने द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 degree is called reflex angle. मने करो ए एंगल टा ए टा को कुहा जीवो छो मने कौन reflex angle मने करो से लाइन टा 80 थान्ता मूविंग लाइन टा 80 थान्ता 80 थान्ता तो ए टू एतिकी पर्यंत एंगल एटा को भी कुहा जाय थांता कोन रिफ्लेक्स एंगल ठीक अछि तो एटी हमर थीटा टा कहारु कहा भीतर रहइबो 180 रु अधिक रहइबो 360 रु कम रहइबो 180 रु अधिक 360 रु कम सेइ भलिया एंगल को कुहा जइबो कोन रिफ्लेक्स एंगल मने करो आमो पाखरे अछि 285 डिग्री सेटा हला रिफ्लेक्स एंगल 310 डिग्री
सेटा हला रिफ्लेक्स एंगल ए भलिया करे कि तमे एग्जांपल लिखि दियो राइट एबे छ माने तमे मार्क करो आमे ए तीनटा प्रकार रो एंगल रे आमे माने कोण करूथिले आमे माने रेंज दउथिले एतकी रु एतकी करूथिले मने करो जदि सठिक गुटे एंगल हेथिबो सेटा को आमे कोण कहिबा जेमिति कि नेक्स्ट हला जो एंगल टा 90 डिग्री सहित समान थिबो ताकु आमे कोण कहिबा जो एंगल टा 90 डिग्री सहित समान थिबो तार ना आमे दे दबा राइट एंगल राइट एंगल रो माने कोण छ माने द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल जो एंगल टा 90 डिग्री सहित समान हेबो सेटा को कुआ जीवो कोण राइट एंगल ता माने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट ए एंगल को कुआ जीवो कोण छ माने राइट एंगल आई होप तमे माने समस्त पॉइंट वाइज लेखु छ ए खाताटा जो आमे बनेबा वर्तमान ए खाताटा हमकु बहुत सहाय्य करिवो छ माने सेति पई टिके भलो से नीट एंड क्लीन हिसाब रे खाताटा बने कि रखो एटा हमकु जुग जुग धरी सहाय्य करिवो ए खाताटा राइट आगो को भी आमे क्लास 11 12 परे भी जहा पढ़ीबा सही समय रे भी ट्रिग्नोमेट्री दरकार पड़िबो तो आमे ए खाताटा रखीथिले हमकु सेटा बहुत सहाय्य करिवो राइट अच्छा एटा हे गला कथा ता परे 5 नंबर आसीबा छ माने आमे स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल माने कोण गुटे स्ट्रेट लाइन पाखरे जति की एंगल थाए गुटे स्ट्रेट लाइन पाखरे केते एंगल थाए 180 डिग्री तो जो एंगल टा 180 डिग्री सहित समान हबो सेही एंगल को कुहा जीवो कोण स्ट्रेट एंगल तो लिखि दियो द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 degree is called kana straight angle right 80 theta is equal to kete he jibo re 180 degree he jibo theta is equal to 180 degree he jibo right okay अच्छा वर्तमान छ माने आमे आसीबा आ गुटे इम्पोर्टेंट जिंस आई होप एतिकि पर्यंत समस्त तमे माने लेखि सारी छ राइट ओके लेखि दियो ता परे ए दुईटा छुआ हाथ काहे कि टेकि छ रे हाथ तमे जते बेला सरी जीवो सेई समय रे हाथ टेकियो छ माने हां हां ता परे आमे कथा वार्ता हबा राइट ओके ओके नेक्स्ट छ माने आमे देखिबा कोण केतो नंबर थिला रे 6 नंबर हो एटा बहुत इंपोर्टेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स राइट एटा हमकु ट्रिग्नोमेट्री रे बहुत सहाय्य करिवो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स हला अच्छा सुनो छ माने तमे मते पचारी परिबो सर जो एंगल टा 360 डिग्री सहित समान हेबो से एंगल को आमे कोण कहिबा तो 360 डिग्री सहित जो एंगल समान हेबो ताकु आमे फुल एंगल कहिबा किंबा कंप्लीट एंगल कहिबा एटा भी तमे लेखि दियो जो माने लेखिबा पई चाहू छ द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल और फुल एंगल राइट एटा भी हला भल कथा गुटे एटा को तमे नोट कर दियो अच्छा
एबे आसला छुआ मैंने आम पाखरे कौन कॉम्प्लीमेंटरी आ मु एंगल न लेखिकी देख लिखी एंगल्स एंगल्स माने गोटे रु अधिक एंगल अच्छा गोटे रु अधिक एंगल अच्छा तो आंकर डेफिनेशन टा कौन देखीदबा टू एंगल्स आर सेड टू बी किंबा आमे एमती लिखिबा आमे जेमिती डेफिनेशन लिखुतले से अनुसार ही लिखिबा तुमको सुविधा हबो धरिबा पई हां हां आमे कोन कहिबा द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज आर कॉल्ड कौन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स दीटा एंगल जो मानकु मिसई देले 90 डिग्री होतबो से दुई जन को निजर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहिके कुहा जिवो एग्जांपल 30 डिग्री रो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल टा हेबो 60 डिग्री काहेकि 30 को 60 सहित मिसैले हमकु 90 मिलुची समिति मते को 70 डिग्री रो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हेबो तो आंसर हला 70 डिग्री रो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेबो 20 डिग्री काहेकि 20 डिग्री हेबो 70 को 20 सहित मिसैले हमकु 90 डिग्री मिलुची तो मते को 90 डिग्री रो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हेबो तो 90 डिग्री रो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेबो 0 डिग्री काहेकि 0 डिग्री आउ 90 डिग्री को मिसैले हमकु 90 डिग्री मिलुची बुझी पारुछ कथा दुईटी एंगल अछि दुईटी एंगल को मिसै देले जदि 90 डिग्री होतबो ताले ये तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कुहा जिवो आउ आकू तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कुहा जिवो मने करो आम पाखरे अछि एटी आमे लेखि देबा कोन एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री जदि एमिति होउछि देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ ईच अदर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ ईच अदर माने ईच अदर रो माने कौन छो माने ए बी हबो बी पाई कॉम्प्लीमेंटरी एंगल आउ बी हबो ए पाई कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एग्जांपल द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल किंबा कॉम्प्लीमेंट कहिले भी हबो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री काहेकि 30 प्लस 60 करले आमको कोण आसुची 90 आसुची सेतिपाई सेटाकु कहा जाउची कोण कॉम्प्लीमेंट राइट छ माने अच्छा नेक्स्ट आ गुटे प्रकार रा एंगल अछि से एंगल को कहा जिवो कोण सप्लीमेंटरी एंगल ओके सप्लीमेंटरी एंगल्स राइट अच्छा सप्लीमेंटरी एंगल्स हमें क्या कहवा जेते बेले दुईटी एंगल को मिसई देले 180 सहित समान होतबो ताले से दुई जन को आमे निजरो सप्लीमेंट बोली कहिबा तो केमते कहिबा कि द एंगल्स हुज सम इज
इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल्स. कौन कह सप्लीमेंटरी एंगल माने जत्ते बले एंगल्स कहूँ छो मैंने तो ये मोर मीनिंग हूँ कि मात्र दुईटा ही एंगल रे एमती हो पार तीन टा एंगल को मिसेले से मनकु सप्लीमेंटरी कहा ना दुईट एंगल जो मानकर जोगफलटा 180 सहित सामान हो एंगल को कहा छुआ मैंने कौन सप्लीमेंटरी एंगल्स एग्जाम्पल तुम पाखे लक्ष लक्ष थी एग्जाम्पल के 60 डिग्री आउ 120 डिग्री आर सप्लीमेंटरी एंगल्स कहीं 60 डिग्री आउ 120 डिग्री को मिसेले आमको मिलूँ के 180 तो यहाँ आमको आसीज कत छ मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री देन A and B are called supplementary angles. A and B are called supplementary angles. Right? अच्छा, हमें example नहीं जीवा चुका मैंने. The supplementary angle of 60 degree is 120 degree. Similarly, मते जदि पचारिबे 120 degree रा supplementary angle केते हबो ताले आमे कहिबा 120 degree रा supplementary angle टा हबो 60 degree कहिगिरी. Right छ माने? Okay. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल जोटा कि आमको दरकार पड़ो कौटे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ापी स्पेशली ए कॉम्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी एंगल गुड़ाक आमको बहुत ही इम्पोर्टेंट वे रे आमको से फर्मूला गुड़ाक मन रखापी के ट्रिक अच्छे से आमको ये कॉम्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी एंगल आग को साय कर जिते आसव तुम्हें निजे फिल कर ये कथाटा ओके छो मैने राइट तो ओके नेक्स्ट कौन हला आमे आजिका पाई एतकी रे रखिबा आमर डिस्कशन ऑलरेडी टाइम हो गलानी छुआ मैंने राइट नेक्स्ट क्लास रे मु आहुरी टिके एंगल विषय रे मु पढ़ेबी जोटा कि आजिकार क्लास रे कंप्लीट हो पार्लानी सेटा हला एंगल को मापिबो केमती एबे तुम्हें मैंने समस्ते यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ुच फिजिक्स रे तुम्हें देखु जे बिना यूनिट रो मेजरमेंट हो पारनी मु मार्केट गली कहली आलु दि से कहला केते मु कहली एक तो से कौन बुझिबो से चाहिले मते गोटे आलु भी धरे दे पारे से चाहिले मते एक क्विंटल आलु दे दे पारे से मते चाहिले एक केजी आलु दे दे पारे से जानिबो केमती एटा क्लियर हो नहीं एटा क्लियर हो नहीं तो मुझे सामने अटैच करदेवी गोटे यूनिटे कि एक के जी दि ताले से क्लीयरली बुझिपार जे मते सार केते मागुचं आलु कहीकि राइट तो यूनिट टा बहुत इम्पोर्टेंट कौनसी ना कौनसी मेजरमेंट करने राइट तो सेमती आम देखा एंगल रो मेजरमेंट करने केतेटा यूनिट अच्छी तुम्हें आज जाए शिखी गोटे यूनिट से डिग्री 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 शिखी आज पाखर तुम्हें जोबले बड़ हो क्लास इलेवेन्थ को आसीगल आम देखाजे आउ डिग्री यूनिटा बेस आम यूज करवानी एंगल को मापापी आउ गोटे यूनिट अच्छी जमती तुम सिस्टम पढ़ु ना एस आई सिस्टम सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एमती करी अलग अलग सिस्टम यूनिटा अलग अलग अच्छी सेमती एंगल को मापापी भी अलग अलग यूनिट अच्छी आउ ये अलग अलग यूनिट को अलग अलग सिस्टम या तो नेक्स्ट क्लास रे आमे ए कहानीटा पढ़िबा कि एंगल को केमिति मापिबा एंगल को मापिबा पई केतेटा यूनिट अच्छी आउ को यूनिट को आमे आजि पाखरु बेसी व्यवहार करिबा आउ को यूनिट को कम व्यवहार करिबा सेटा आमे सिखिबा इन द नेक्स्ट क्लास.
टिल देन छुआ मैंने प्रैक्टिस समस्ते करिब ताहले मते भी खुशी लागिब मु भी आहुरी तुमको आहुरी नुआ नुआ आइडिया आणिबा पई मु भी चेष्टा करिबी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।